प्रभास को सबने अप्रिशिएट करना है। बाहुबली के बाद वो हमारे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या कोई भी हो, वो बड़ा पॉपुलर हो गया है और उसको उसको देखना ही देखना है। कल की मूवी को कोई भी रोक नहीं पाएगा और बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ये कहना है श्री मनोज देसाई का। और मनोज देसाई कहते हैं कि अब कल की को कोई भी रोक नहीं पाएगा क्योंकि बाहुबली लौट कर आ रहे हैं। ये इतना ही क्रेज है जितना बाहुबली का था। और जो भाई कल की का जिस तरीके से प्रमोशन चल रहा है ना, मैं कल की टीम को भाई सल्यूट करता हूँ क्योंकि जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी को इन्होंने शुरू किया है वो आज से पहले इंडियन सिनेमा के किसी भी मूवी के प्रमोशन के दौरान देखी नहीं गई थी। मनोज देसाई कहते हैं कि लोग इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे पूरा भरोसा है कि गेटी गैलेक्सी फिर से खिल उठेगा। वो दिन दोबारा से लौट कर आएंगे जब गेटी गैलेक्सी के अंदर हजारों की तादाद में लोग कल की को देखेंगे और एक बार फिर से ये जीत होगी सिनेमा की। और ये जीत और कोई नहीं दिला सकता सिवाय एक के, वो है बाहुबली प्रभास। दोस्तों इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। मूवी को बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। मूवी का स्कोप बहुत बड़ा है, हर कहीं इसका भाई जो है वो प्रमोशन चल रहा है। मूवी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि इस मूवी के VFX को बनाने के लिए मार्वल स्टूडियो से हेल्प ली गई थी। मूवी के अंदर जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है वो आपने हमेशा से मार्वल मूवीज में देखा होगा, लेकिन अब जो है वो कहानी अलग होगी। वो सारा एक्सपीरियंस आपको कल्की के अंदर देखने को मिलने वाला है। हमारे सनातन धर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से कल्की अवतार लेकर बाहुबली प्रभास इस सृष्टि के ऊपर जो पाप है उसका विनाश करते हैं, यानी कि ये तमाम चीजें आपको इस मूवी के अंदर नजर आएंगी। साथ में अश्वत्थामा भाई, उसी के साथ प्रभास बाहुबली, उसी के साथ दीपिका, यानी कि ये तमाम जो कास्ट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और कल्की के अंदर एक और भी सुपरस्टार है जिसका नाम है कमल हसन, जो कि इस मूवी के अंदर विलन का किरदार निभाने वाले हैं। ये टक्कर देखने लायक होगी और तेलुगु इंडस्ट्री से ये एक ऐसा बड़ा बवाल आ रहा है जिसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इंडिया से लेकर ओवरसीज तक इस मूवी का क्रेज नजर आ रहा है। बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं और जो रिकॉर्ड क्रिएट होंगे उसके आसपास भी कोई नहीं जा पाएगा। दोस्तों आप इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या एक बाहुबली फिर से रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है? क्या इस बार हम बाहुबली प्रभास को कल के नाम से बुला सकते हैं? अपना कमेंट लाजमी करना। अगर आप बाहुबली प्रभास के डाइट फैन हो तो भाई गौरव भाई के चैनल FFU को लाजमी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे आपको कल की 2898 की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।